सर और फोर चिल्ड्रन। नमस्कार स्वामी जी। प्रणाम डॉक्टर साहब। देखिए हमारे बच्चों का इधर चार बच्चे हैं हमारा। प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग। प्रणाम। प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी झाला जी। हरिद्वार में है आप? मैं हरिद्वार योगग्राम पहुंच गया। परसों मुंबई था, फिर राजस्थान था, फिर हरियाणा था, फिर अभी रात को पहुंच गया। सुबह 4 बजे से लगा हुआ हूँ। तो शुरू करें डॉक्टर साहब? हाँ शुरू कर सकते हैं। तो अभी 4 बच्चे इधर बैठे हैं, इसमें सबसे छोटी है वो तो 5.5 साल का है, वो है राही जी। ये है राही, हमारे डॉक्टर अमित सिंह का बेटी है। और गौरी है, और डॉक्टर सोनी कुमारी का लड़की है। सोनी कुमारी हमारा तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, वो उसकी बेटी गौरी। और पन्नू, उसको बोलते हैं पन्नू, उसका नाम है त्रिविक्रम। अरे त्रिविक्रम है। तुम्हारा नाम बोल दो पन्नू, नाम बोल देना तुम्हारा। और चौथी है, कौन है बताओ तुम्हारा नाम, क्या नाम तुम्हारा बोल दो। शिवकुमारी, पन्नू, राही, शिवकुमारी, 4 बच्चे। सबसे बड़ी है मेरे कुमारी। अच्छा स्वामी जी, आप किसमें भगवत गीता में किसमें भी श्लोक आप शुरू कीजिए तो उसको बता देंगे, आगे उसको अगर दे जाएंगे आगे का। तो सब सब एक ही साथ सुनाएंगे? हमें को टेस्ट करना। त्रिविक्रमा, ठीक है, शिवा और जो है गौरी, सब बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करके बैठे हुए। चलो शुरुआत से सुनाना शुरू करो, धर्म क्षेत्र से शुरू करो, प्रारंभ मंगलाचरण वहीं से करो। एक साथ बोलो अभी तो, फर्स्ट एक हाँ वंस यू पांडवा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् आचार्य महतीं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण क्लैब्यं मास्म गमापार्थ। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। एक्सलेंट एक्सलेंट गुरुजी, वेरी गुड वेरी गुड। गोतिष्ठ परं
अथ तृतीयो अध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते राघवजनार्दन सत्यं कर्मणि घोरे मां योजयसि केशव ज्ञानिष्ठेनैव वाक्येन तदेकं पदनिश्चित्य ैश्वर्यमुषोष्णुतेषणमपि बहुत सुंदर सुनाया भाई आपने तो श्री विक्रम जी, आपका विक्रम तो बहुत अच्छा है। अब चौथा अध्याय सुनाएंगे गौरी जी। इमं विश्वते योगम श्री भगवान उवाच। भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तं इमं राजर्षयो विदुः सकाले देह महता योगो नष्टः परन्तपः सैवायं मया तेज्य योगः प्रोक्तः पुरातनः मक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहुत अच्छा गौरी जी। और ब्रह्मणि आधाय कर्माणि त्रिविक्रम जी, अब आप सुनाइए, फिर त्रिविक्रम जी के बारे में राशि की बारी आएगी। हाँ, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन कर्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये आपका तो सबका एक तो प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है डॉक्टर नागेंद्र जी, और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी है। षष्ठो अध्याय, अब राशि जी सुनाएंगी। राशि जी अथ षष्ठो अध्याय आत्मसंयम योग। संन्यासी च योगी च निरभ्येन चाक्रियः यं संन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न हि संन्यस्तसंकल्पः योगी भवति कश्चन आरुक्षोर्मुनिर्योगं
कर्म कारण मुच्यते रोगारूढस्य तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते यदा अन्येभ्यर्थेषु आत्मस्मिन् शक्यते अच्छा सुनाया है राशि जी ने भी। और आगे राशि जी के बाद क्या भी ईश्वर भारद्वाज जी भी जुड़ गए। लेकिन हाँ, अभी आपकी अगली जो बेटी है जी, प्रणाम बसो रेड्डी जी। प्रणाम सब, प्रणाम प्रणाम बसो रेड्डी जी। बहुत अच्छी भगवत गीता सुना रहे हैं बच्चे। हाँ सर, हाँ सर, कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, अभी स्वामी जी, मैं विक्रम सिंह मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, नमस्कार। प्रणाम 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 प्रणाम। तो आत्म संयम योग में सब संयम, सब संयमित हो गए, एक साथ संकलित हो गए। तो छठा अध्याय सुना रहे थे बच्चे, और अभी आप सबका आगमन हुआ है। हाँ बिटिया, आगे सुनाओ। युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार विहारस्य, युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसा योगी होना चाहिए जैसे दीपक की लौ जलती है और इधर उधर नहीं होती, तो एकाग्र चित्त, प्रशांत चित्त, भीतर से पूर्ण शांत और बाहर से पूर्ण क्रियाशील, जैसे प्रकाश ही प्रकाश होता दीपक का, लेकिन कोई उसमें कोई बाधा नहीं होती है, तो निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति, ऐसा। बहुत अच्छा सुनाया, थोड़ा तो सातवां सुनते हैं। स्वाताध्याय आपसे आगे जो बच्ची बैठी है उनका क्या नाम है? राही, राही सिंह। हाँ, राशि के आगे जो लास्ट में, लास्ट में गौरी, शिवा कुमारी इस साइड में, शिवा कुमारी, शिवा। हाँ ठीक है, तो इधर शिवा है, इधर राशि है, तो अभी तो है राही, राही। चलो जी राही जी, आप सुनाओ अब। चतुर्विधा भजन्ते माम, चतुर्विधा भजन्ते माम, जनाश्चित्रिति योर्जिना आर्तो जिज्ञासुरार्थी, जगर दर्शवा पोषां ज्ञानी नित्ययुक्तः, एकभक्ते विशिष्टते यो विज्ञानिनो त्यर्थम्, अहं सजनम् अप्रियः मतम। बहुत अच्छा याद किया भाई, अब अगले बच्चे सुनाएंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, त्रिविक्रम जी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयोग्यच संशयम् ಅಭ್ಯಾಸಯೋಗಯುಕ್ತೇನ बहुत सुंदर। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा गौरी,
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शान्तिनि गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मामि पार्थव्यपाश्रित्या ये पिस्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजीमान् नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः अथ दशमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो। अब त्रिविक्रम जी सुनाएंगे इसके आगे। भूय एव महाबाहो। भूय एव महाबाहो सुनु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानाम् महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। चलो एकादश अध्याय सुनाएंगे आगे राही जी। पश्य मे पार्थ रूपाणि यहाँ से सुनाओ। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोध सहस्रशः नानाभ्यानि दिव्यानि नानावरणाकृतीनि च पश्य नित्यान् वसुनि विद्वान् अश्विनी भारत लयिप्रस्थं जगत्कृत्वं पश्याद्य सचराचरम् चलो बहुत अच्छा सुनाया। एकादश अध्याय का ये अगले राही जी सुनाए जो है राही जी से आगे शिवाजी सुनाएंगे। कालोस्मि लोक क्षय प्रबुद्धो। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः कृतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे नैव स्थिता प्रत्यनीतेषु लोकाः तस्मात् जित्वा शत्रुं भूक्ष्वराज्यं समृद्धं मयैवैतेन गता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिं। चलो द्वादश अध्याय सभी मिलकर के सुनाएंगे। अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां परिवासते केषाप्यक्षरमव्यक्षम् केषां ये योगवित्तमाः श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया वरयोपेताः ते मे युक्ततमामताः ये त्वक्षरणनिर्देश्यं
अव्यक्तं कलियुगासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च भूतस्थमचरं भुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशो निवारणस्तेषाम् अव्यक्ता सत्तचेतसाम् अव्यक्तानि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः वदन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता वृत्संसारसागरा भवानि चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशयैव अदूर्ध्वं न संशयः अथ बहुत अच्छा ये भक्ति योग का सब साथ साथ बहुत भक्ति पूर्वक आप उच्चारण कर रहे हैं समह शत्रु च मित्रे च ये भक्ति योग का कौन सा श्लोक है हाँ बताइए आप गोरी जी चैप्टर 12 श्लोक नंबर 80 बहुत अच्छा तो श्लोक नंबर भी जो है गोरी जी को स्मरण है अच्छा है और तेरहवें अध्याय से बारहवां अध्याय हो गया मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पूछ रहा हूँ ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति कौन शुरू करेंगे ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मना आत्मना हाँ ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः चलो बहुत अच्छा सुनाया इससे आगे राही जी सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशः सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभ बहुत अच्छा स्मरण किया देखो छोटे बेटी ने भी राही जी ने तो 14वां अध्याय भी हो गया अब 15वें में भी पहुंच जाते न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः त्रिविक्रम जी न तद्भासयते सूर्यः शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम और जी गौरी जी ममे वंशो जीवलोके कौन सा श्लोक है बोलो कौन से अध्याय का ममे वंशो जीवलोके जीवभूतः 15वें अध्याय का कौन सा श्लोक है हाँ बताओ आप बताओ शिवाजी 15 चैप्टर का 7th श्लोक कौन सा 15 चैप्टर का 7th श्लोक हाँ 7th श्लोक बहुत अच्छा चलो भाई बहुत अच्छा याद किया है सब बच्चों ने तो आपने तो सभी ने बहुत अच्छा याद किया है अभी 17वें का थोड़ा सा सुन लेते हैं वैसे तो सबकी सभी याद है आपको ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्य त्रिविधा स्मृताः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा इससे आगे 17वां अध्याय तस्मात् ओमिति
कोई भी सुनाओ गौरी जी त्रिविक्रम जी तस्मात ओमिति प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलैरज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। बहुत सुंदर याद किया। अभी 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सात्विक कर्ता कर्म सब बहुत सारा सार है 18वें अध्याय में। पूरे 18 प्रकार के भगवद गीता के योग का मुक्त संगो सब एक साथ बोलेंगे। चलो शुरू में भी शुरू किया था। संगो न हम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर् निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेक्षु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् तो आपने ये अच्छा कर्म किया है, भगवान की पूजा की है। जो भगवत गीता याद कर लेते हैं उनमें स्वयं भगवान का ज्ञान के माध्यम से भगवान ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो आप सब अब पूर्णाहुति कर देते हैं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा वत्प्रसादान् मया च्युता सिद्धोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथय स्वयं राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् कृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतम् हरेः विस्मयो मे महान् राजन् दृश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः भुवानी तिर्मतिर्महा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः हरि ॐ तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। तब भगवान को समर्पित किया आपने और मैंने कहा जो भगवत गीता याद कर लेते हैं तो उनके भीतर भगवान ज्ञान रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो हमारे सभी बच्चों ने गौरी जी ने त्रिविक्रम जी ने राही जी ने शिवाजी ने सबने बहुत अच्छा सुनाया और जो है सभी बहुत प्रसन्न है आपके पुरुषार्थ से। प्रथम शब्द बोध होता है और फिर आपके जीवन में आचरण में भी ज्ञान घटित हो जाता है।
यही हमारी परंपरा है, संत श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधिसी। तो हम सब जो बच्चे भगवत गीता याद करते हैं, हम पतंजलि में भी 5 साल से लेके 7 साल के बच्चे, करीब 1000 बच्चों ने भगवत गीता याद की है, उनको सबको 20,000 रुपए इनाम देते हैं। आप इतनी दूर बैठ करके, आप गुरुकुल में शायद नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आपने याद किया, इसलिए आपको 5,000 रुपए बढ़ा के आपको 25,000 रुपए का इनाम और प्रशस्ति पत्र पतंजलि से भेज देंगे। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। तो आपके लिए ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है, पुरस्कार ये बड़ी बात नहीं है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है कि हमने छोटे उम्र में, जब थे 5, 7, 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, तब हमने ये भगवद गीता याद की थी। तो आप इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत अच्छे से आपने याद किया है, आपकी इस दिव्यता को, आपकी सात्विकता को बहुत बहुत प्रणाम है। ऐसे जो संस्कार है, ये कोई प्रारब्ध के भी संस्कार है, आपके माता पिता और गुरुजनों का पुरुषार्थ है, और हमारे श्रद्धे गुरुजी नागेंद्र जी का आशीष वरद हस्त आपके सिर पर है, ऐसा आपका सौभाग्य है। आप जैसे भगवत गीता आपने स्मरण की है, अब धीरे धीरे इसका अर्थबोध भी आपको होता चला जाएगा, और आप अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने माता पिता का, अपनी मातृभूमि का गौरव बढ़ाने वाले, अपने स्वरूप में रह करके स्वकर्म को, अपने स्वधर्म को, राष्ट्र धर्म को निभाने वाले यशस्वी बच्चे बनेंगे, ऐसे आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपका एक बार फिर से सबके ओर से, पूरे पतंजलि योगपीठ और सारी सात्विक आत्माओं की ओर से आपका सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज जो भी इस वेबिनार पर जुड़े हैं उन सबकी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। जी डॉक्टर नागेंद्र जी, ये सब बच्चों को जो सिखाया वो हमारा है, इधर बधाई जी आपके सामने, ये है श्रीपर्णा। श्रीपर्णा जी बहुत मेहनत करके बच्चों को हर एक शब्द को स्पष्ट उच्चारण करने के लिए दिया, कर रही है भगवत गीता के ऊपर, और इसका MSc हो गया है, और डिस्टेंस में हमारे वो सब सीनियर फैकल्टी है इधर, ये इतना मेहनत करके करती है, रोज कम से कम रोज 5-6 घंटे के लिए अलग अलग लोगों को दुनिया भर में वो सिखाती है। बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो है एकदम एक्सीलेंट है, व्याकरण की दृष्टि से, शास्त्र परंपरा की दृष्टि से एक जिसको कहते हैं श्रेष्ठतम उच्चारण है बच्चों का, एक एक वर्ण का, अक्षर का, श्लोक का, उसका रिदम, उसका स्वर, सब कुछ बहुत श्रेष्ठतम है। इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन बहन। रामचंद्र भट्टी ने सब लोगों को स्पष्ट उच्चारण के लिए पूरा से पूरा उसने ध्यान करा के उसको कराया है, इसी को परंपरा से हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि दादी भी आ गए हमारे साथ, और नमस्कार पटेल जी, प्रणाम जी, प्रणाम, प्रणाम टू एवरीबॉडी, प्रणाम, प्रणाम पूज्य दादी को, हमारे बड़े भाई को, हमारे अग्रज को, हमारे गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा के आप गौरव हैं। आपको देख करके हमको बहुत ऊर्जा मिल जाती है। तो बच्चों ने पूरा भगवत गीता बहुत अच्छा सुनाया, बहुत 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 जोन, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नागेंद्र जी ने, गुरु जी ने इनका वीडियो भेजा था 1 महीने के पहले, बहुत अच्छा, बहुत आनंद होता है कि बच्चे इतना संस्कारित हो रहे हैं। 18 अध्याय मैंने पूरे सुन लिए दादी इनसे, बीच बीच में से मैंने देखा, देखा। पूरे 100 में से 100 marks हैं सब बच्चों के। बहुत खूब, सब ऐसी प्रणाली का पूरे देश में चली जावे तो अच्छा रहेगा। सी जी जी, ना अपने जितने भी योगा सेंटर्स हैं, जितने भी योगा सेंटर जहां भी हो सकता है ये तालीम दी जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा जरूर। भगवत गीता और कम से कम योग दर्शन तो सबको स्मरण हो तो उससे अच्छा रहता है, योग की सारी सिद्धांत और दृष्टि पूरी मिल जाती है उससे। हाँ। बहुत बढ़िया।
आपके तो सारे शास्त्रों में मैं देखता हूँ योग दर्शन का और भगवत गीता का बहुत आप रेफरेंस देते हैं, बहुत गौरव देते हैं। हमें इतना तो याद नहीं रहता है, लेकिन कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा जब जरूरी होता है निकल जाता है अपने आप। आप जानते भी हो और आप जीते हो गीता को और योग दर्शन को, उपनिषदों को, प्रस्थान त्रयी को। जी